फ्रेंड्स, भारत के अंदर और भारत के बाहर भी कैंसर इतने बुरी तरीके से फैल रहा है, जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित करने की चाह में लगा हुआ है। लेकिन क्या आपने सुना है, प्रोस्टेट कैंसर आपको नपुंसक भी बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, प्रोस्टेट कैंसर हमारे शरीर की प्रोस्टेट ग्रंथि में ही होता है, जिसकी वजह से हमारी प्रोस्टेट की ग्रंथि काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। अगर हमें वक्त रहते इस कैंसर का पता चल जाता है तो इलाज कराने के लिए हमें भारी भरकम कीमोथेरेपी का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से इलाज और सर्जरी के बाद आप नपुंसक भी बन सकते हैं। अगर आप अपने कैंसर के इलाज को करा रहे हैं तो आपको पूरे तरीके से ही इलाज कराने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप अपने इलाज को पूरा नहीं करते हैं तो ये आपके शरीर के अंदर प्रोस्टेट की ग्रंथि को और ज्यादा डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से आपके अंडकोश के अंदर शुक्राणुओं की संख्या बनना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, और यही चीज आगे जाके नपुंसकता के तौर पर आपके सामने आती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको या फिर आपके सर्कल में किसी को भी प्रोस्टेट कैंसर है तो सही तरीके से डॉक्टर की सलाह ले, अपनी डाइट पर फोकस करें, आत्मविश्वास को बढ़ाए रखें ताकि उनका मनोबल कभी भी ना टूटे, क्योंकि एक बार इंसान अगर अपने मन से हार जाता है तो वो किसी से भी जीत नहीं सकता है। इसीलिए दोस्तों, अगर कैंसर की बीमारी ने आपको घेर भी लिया है तो भी आपको उससे उबरने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।